ये जीव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, ये भी हमने पिछली बार पढ़ा था। मैंने आपको बहुत ब्रीफ में व्यवहार में के प्रकार समझाए थे पिछली बार, व्यवहार में के प्रकार समझाए थे ना, चार प्रकार से। वो नहीं किया था, उसके नाम से नहीं किया, नाम से नहीं किया था लेकिन भाव से किया था। तो नाम भी अगर आप चाहो तो मैं बता सकती हूँ, बट आई जस्ट डोंट वांट इट, डिडंट वांट टू कंफ्यूज यू। तो चाहिए तो मैं एक बार और उसको ब्रीफ करती हूँ ब्रॉडली, और नाम से भी अगर आप समझना चाहो तो नाम से भी ब्रीफ करती हूँ, लेकिन इसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है क्योंकि सारा समय सार इसके ऊपर बेस्ड है। सर्वप्रथम व्यवहारने के बारे में मैंने ये बताया था कि उसे व्यवहार क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो दो प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कौन से दो प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट करता है? कि दो भिन्न वस्तुओं को एक मान के चलता है, जो दो स्पष्ट भिन्न वस्तुएं हैं उनको मिलाकर बात करता है, और दूसरा वो क्या इश्यू क्रिएट करता है कि एक जो अखंड वस्तु है उसमें भेद कर देता है, जबकि भेद है नहीं। हिंदी चीनी को तो भाई भाई बोल देगा और महाराष्ट्र और गुजराती को अलग अलग कर देगा, दोनों ही गलत है ना। हाँ जी, हिंदी और चीनी सच्ची में भाई भाई है क्या? फर्क नहीं पड़ता है क्या, किसके क्या हो, कौन सी बाउंड्री हो, कौन किसको करे, कि एक्चुअली में दोनों की बाउंड्री बहुत क्लियरली नहीं मानते लेकिन व्यवहार फॉर सम रीजन, फॉर सम पर्टिकुलर प्रयोजन हमने हिंदी चीनी को भाई भाई भी कहा, तो वो वेस्ट नहीं है, वो कहना झूठ नहीं है, लेकिन कोई प्रयोजन की पूर्ति के लिए दोनों को साथ साथ बोलना आवश्यक था, इसलिए बोला गया। तो शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है कि नहीं है, कि एकदम स्पष्ट भिन्न भिन्न है, लेकिन कोई प्रयोजन की पूर्ति के लिए इन दोनों को एक बोलना आवश्यक हो जाता है, पर वो व्यवहार की सीमा उस प्रयोजन तक ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ, व्यवहार छूटा नहीं है लेकिन उस प्रयोजन के लिए वो व्यवहार सच्चा है, उस प्रयोजन के बाद उसकी सच्चाई को आप यदि वापस हर चीज में घटाने जाओगे तो वो आपकी तरफ से बहुत बड़ा, समझो हाँ, अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, एक्चुअली में अपराध हो जाएगा। मैं इंपोर्ट ड्यूटी दिए बिना चाइना से सामान ले लूं, क्यों, हम तो भाई भाई हैं, तो पुलिस छोड़ देगी आपको? नहीं छोड़ेगी। तो यानी कि यदि मैं, जब वो पर्टिकुलर पर्पस खत्म हो जाता है उसके बाद शरीर को मेरा मानूं, तो उसकी सजा इस आत्मा को अनादि काल से संसार में भटक के और अनंत दुख पाके मिल गई। अपराध हो रहा है इससे कि वही व्यवहार का वचन केवली भगवान ने बोला, वही व्यवहार का वचन उनने माना, हमने भगवान की बात को मानी और हमने अपराध किया कि उनने जिस प्रयोजन से बोला था तुमने उस प्रयोजन से माना होता तो अपराध नहीं होता। इसलिए ये जो प्रयोजन से जानना है इसे बोलते हैं किस अपेक्षा से, इसका नाम है श्यादवाद। श्यादवाद यानी कि क्या मैं अनित्य हूं? हाँ मैं अनित्य हूं, किस अपेक्षा से? नो डिस्टर्बिंग, प्रॉमिस किया था ना इसको बात करा सबको। मामा टीचर है ना, मामा टीचर है, जैसे स्कूल में टीचर बोलती है तो स्टूडेंट्स नहीं आते हैं ना, अब आप नहीं हो गया, निकल गए। मैं टीचर नहीं हूं, मैं हूं टीचर। मामा पापा के पास तो श्यादवाद यानी कि जैन वचन, जिन वचन, जिन वाणी, इसका एक भी शब्द, एक भी सेंटेंस बिना अपेक्षा के निबद्ध नहीं है। कोई भी बात को यदि आपने अपेक्षा से समझी, और कौन सी अपेक्षा? आपकी मनगढ़ंत अपेक्षा नहीं,
जो अपेक्षा वहां इंटेंडेड थी वो अपेक्षा से वो बात समझी तो आपका ज्ञान सच्चा, और वो अपेक्षा से आपने वो बात नहीं समझी तो आपका ज्ञान झूठा। यानी कि आपने जिनवाणी को पढ़ के भी अपने अर्थ का अनर्थ कर लिया, समझो फिर तो यू हैव वेस्टेड दैट जिनवाणी। इट इज एज गुड एज एनी अदर वाणी फॉर यू। देख लोग बहुत मिसयूज करते हैं, बहुत, इनफैक्ट 99% लोग मिसयूज करते हैं जिनवाणी की बात को। क्रमबद्ध पर्याय को वहां लगा देंगे एज पर कन्वीनियंस, जहां जब लगाना हो, बाकी के सब चीजों में कर्ता बन के बैठ जाओ। पुण्य पाप के उदय को वहां लगा देंगे, निमित्त उपादान को वहां लगा देंगे एज पर कन्वीनियंस। तो यानी कि हम एक एक सिद्धांत को जिस अपेक्षा से, एक एक आत्मा के गुण को जिस अपेक्षा से, जहां जैसा समझाया जा रहा है, मतलब एवरी सेंटेंस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ समय साथ, एवरी सेंटेंस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ एनी जिनवाणी, यदि आपके दिमाग में उसकी अपेक्षा राइट क्लियर नहीं है तो आप वो सेंटेंस को सही नहीं समझ रहे हो, ये बात की गारंटी है। और वो अपेक्षा समझने के लिए या तो आप उनकी भाषा समझो, या फिर आप एक गुरु से समझो, या फिर आप चर्चा करके लॉजिकली घटाकर समझो। वो चीज आप ब्लाइंडली नहीं समझ सकते, इसलिए देशना लब्धि की इतनी इंपॉर्टेंस है कि तुमने क्या अपेक्षा समझो, वहां क्या अपेक्षा इंटेंडेड थी, क्लैरिफाई कैसे करेगा, क्योंकि हर आदमी जो समझ रहा है पुस्तक वो नहीं समझ सकती, लेकिन व्यक्ति समझ सकता है बात करके। तो आप जो शिष्य कहां अटका हुआ है ये गुरु समझ जाता है, और वो उसको क्लैरिफाई करके सही अपेक्षा करा दे तो सम्यक दृष्टि बन सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन में गुरु की आवश्यकता, देशना लब्धि की आवश्यकता अनिवार्य है, ताकि वो तुम्हारी अपेक्षा कहां गड़बड़ा रही है ये समझ सके। मतलब द एंटायर गेम इज ऑफ फाइन ट्यूनिंग द अपेक्षा, कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है, और मेरे सुख और मेरी मुक्ति के लिए कौन सी अपेक्षा सही है। तो अब मैं आपको जो समझा रही हूँ अनेकांश यादवाद या निश्चय ने व्यवहार ने, ये वो अपेक्षाओं का गेम समझा रही कि किस लैंग्वेज में ये चीज है। तो हमारी जिनवाणी शादवादमयी है, यानी कि कोई ना कोई अपेक्षा के बिना कोई बात नहीं करती है, और उसमें अभी अध्यात्म की जब बात है, यानी आत्मा को जानने की बात है, तो निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा चलती है। जब द्रव्यों को समझने की बात है, छहों द्रव्यों को, तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा चलती है। मैं अभी उसमें आपको नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, मुझे आपको निश्चय व्यवहार समझाना है, क्योंकि समय सार निश्चय व्यवहार की भाषा में पूरा लिखा हुआ है। व्यवहार यानी कि जहां पे वो एक सर्टेन प्रयोजन के लिए सर्टेन मिक्स करके दो भिन्न वस्तुओं को कथन करते हैं, मिक्स करके उसको आप व्यवहार समझना, या जब अखंड वस्तुओं में भेद करते हैं तो उसको आप व्यवहार समझना। तो निश्चय क्या है कि निश्चय हमारा वो है जिसको जानने से मुझे निराकुल अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। मेरा अध्यात्म का क्राइटेरिया फॉर निश्चय क्या है कि जिसको जानने से, मानने से मुझे निराकुल आनंद की प्राप्ति हो, वो मेरे लिए निश्चय है, और जिसको जानने से मुझे शांति नहीं मिले वो व्यवहार। अब वो फैक्ट है कि नहीं है कि वो जिस अपेक्षा से फैक्ट है, हम उस अपेक्षा से आपको समझा देंगे। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताती हूँ। अभी हमारी गाड़ी में बात चल रही थी, उसी से कनेक्ट करके बहुत ही बढ़िया तरीके से। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन लिव योर लौकिक लाइफ पीसफुली एंड नाइसली एंड हैप्पीली, और आई एम नॉट डूइंग अ टाइम पास, ये पूरा घटित करूंगी मैं निश्चय व्यवहार के ऊपर, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, आपको पता है, एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, एक होते हैं पेसिमिस्टिक, और कुछ होते हैं तीसरे जो अपने आप को रियलिस्टिक कहते हैं। क्या आ रही है? मुझे आ रही है। अब आप पापा से बोलो जो भी बोलो। तो तीन तरीके के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और रियलिस्टिक। आप मुझे एक बात बताना,
खुश कौन रहते हैं? संसारिक अपेक्षा से बात कर रही हूँ, अतीन्द्रिय आनंद की अपेक्षा से बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, do we have a consensus on optimistic? यदि मैं खुश होने की अपेक्षा बात करूं तो ऑप्टिमिस्टिक ही खुश रहेगा, ना पेसिमिस्टिक का तो सवाल ही नहीं है, और रियलिस्टिक भी उतना खुश नहीं रह सकता है जितना ऑप्टिमिस्टिक रहे। कैसे? मैं आपको उसका लॉजिक बताती हूँ एंड यू विल गेट दैट। वेरी गुड सब्जेक्ट यू हैव जॉइंड है ना अमी एंड कुनाल, सॉरी। सो just think of this, that I said there are three type of people in the world: optimistic, pessimistic and realistic. Who are the happiest of the lot? Optimistic, that's what I said, right? I'll show you and demonstrate in the logic why it is so. दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अभी इसमें आप निश्चय मत घटाना अपना निश्चय व्यवहार वाला, नहीं तो आप वो हर चीज में फिर बोलोगे कोई भी खुश नहीं है, और वो उससे मिक्स मत करना। प्योर प्ले प्ले एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं अभी हम। तो अब अगर हम पूरी दुनिया में देखते रहे हैं इन लोगों को, तो हर व्यवस्था अच्छाई भी है उसमें, उसमें बुराई भी है, और जो अच्छाई बुराई को इक्वली देख रहा है ऐसा आदमी भी है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक, राइट? वस्तु व्यवस्था कैसी है कि नथिंग इज एब्सोल्यूटली गुड, नथिंग इज एब्सोल्यूटली बैड। एवरी इंसिडेंस, हर घटना, हर परिस्थिति, हर चीज में आप निकालने जाओ तो अच्छाई निकाल सकते हो, और बुराई निकालने जाओ तो बुराई निकाल सकते हो। दैट्स द फैक्ट। डू यू वांट मी टू गिव यू एग्जांपल्स? गिव मी अ वर्स्ट ऑफ द एग्जांपल्स, आई विल शो यू अ गुड साइड ऑफ दैट, और गिव मी बेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स एंड आई विल शो यू अ बैड साइड ऑफ दैट। एक देती हूँ, चलो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, कि एक आदमी की एक सर्वगुण संपन्न कन्या से शादी हो गई, वो आपका बेटा था, जिसकी सर्वगुण संपन्न कन्या से शादी हो गई, मतलब आइडियल मींस आइडियल, इससे बेटर उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता था। इट इज एब्सोल्यूटली गुड और इज समथिंग बैड अबाउट दिस? तो आप रियलिस्टिक की तरह बात करना चाहते हो, एब्सोल्यूटली गुड। पेसिमिस्टिक इसमें से बुराई निकाल सकता है, निकाल के बताओ आप। वो कन्या जो अगर शी सो गुड, द बॉय विल गेट अ कॉम्प्लेक्स की व्हाई शी सो मी, दैट कैन बी वन रीजन। सेकंड रीजन कैन बी, इतनी अच्छी लड़की मिल जाएगी तो बेटा मेरा नहीं बचेगा। पेसिमिस्टिक तो निकाल लेगा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बुराई, यानी कि उसको तो दुखी रहना है। बढ़िया से बढ़िया लड़की मिल गई तो दुखी रहना है, अच्छी से अच्छी लड़की मिल गई, बुरी से बुरी लड़की मिल गई, इसको तो दुखी रहना है। खराब मिल गई तो मेरा बच्चा हमेशा दुखी रहेगा, मेरा बेटे को अच्छी नहीं मिल पाई, अच्छी मिल गई अब मेरे को समय नहीं देता है, उसी के साथ लगा रहता है। बेटा नहीं, डिस्ट्रैक्ट मत कर बेटा, आपने प्रॉमिस किया था ना, जाओ बैठो, गो गो गो, डू योर कलरिंग, गो। अच्छा प्ले द गेम, उसका हेडफोन लगा के यूट्यूब दे दो उसको, जाओ। हाँ मेरा मोबाइल देखो, जाओ गो। आई थिंक इट वाज अ मिस्टेक, वो चलता है। We swap the younger one with this one, thinking which is a better option. तो हमारी बात हो गई कि जो pessimistic है उसको आप अच्छी से अच्छी चीज लाके दे दो, बुराई तो खोज ही लो। Give any other examples you want to give. We have no problem. Pessimistic को पता चल जाए कि मेरा बेटा तद्भव मोक्षगामी है, मुक्ति जैसा कार्य आपके बच्चे को मिलने वाला है इस भव में, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? लेकिन सबको छोड़ के तो चला जाएगा। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक वो कैसे हर चीज में अच्छाई निकाल सकता है? अब बताओ आप मुझे, बुरी से बुरी घटना बता दो मुझे, चलो उसमें मैं अच्छाई निकाल दूंगा।
आप भी निकाल सकते हो, दो एक एग्जांपल कोई, तो कुछ तो बुरा हुआ किसी के साथ, कुछ तो बुरा हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी टांग कट गई, अब बोलो ये अच्छा है कि बुरा है, व्हाट कैन बी गुड अबाउट इट, टांग कट गई मेरी, जान बच गई, हाँ जान तो बच गई, जान बच गई कैन बी गुड, मेरे साथ में तो बोलेगा कि चलो चार महीने अब बेड पे रहना है, ना ऑफिस जाना है, ना कोई तंग करेगा, स्वाध्याय करेंगे शांति से बैठ के, नो डिस्टर्बेंस। सोचो हर चीज में कोई अच्छाई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ट्राई टू पुट इट ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट टू पुट इट एट, मतलब एक तो और बुरे से अच्छा वाला पार्ट, एंड दिस एक्चुअली इज अ ब्लेसिंग और नॉट, इट इज अ ब्लेसिंग। मेरे को कंपनी ने निकाल दिया नौकरी से, अच्छा है कि बुरा है, कभी अच्छा भी हो सकता है, बहुत बढ़िया है भाई, खुद तो मैं नौकरी छोड़ती नहीं, अच्छा इन्हें निकाल दिया, अब मेरे को मिल गया समय, अब कर सकते हैं आत्मकल्याण, अब कर सकते हैं बच्चों पे और फोकस संस्कार देने के लिए, खुद तो छोड़ते नहीं हम, इतनी हिम्मत नहीं थी, बढ़िया क्या इन्हें निकाल, Think of it. हर चीज की कोई अच्छाई देख सकते हो आप। अब पॉइंट ये है कि जब दुनिया में हर चीज में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, जो बुरा देख रहा है वो डेफिनेटली दुखी होएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज की बुराई निकाल लेगा। जो जो रियलिस्टिक देख रहा है वो भी खुश नहीं हो सकता है हर चीज में। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा हाँ लड़की बढ़िया आई है, लेकिन अब ठीक है ये भी मुझसे दूर हो जाएगा, चलो मुक्ति भी हो गई है पर ये भी हो जाएगा, क्या भाई हम संसार छूट जाएगा इसका, तो हमारे पास नहीं रह जाएगा, बोला हर चीज में वो खुश नहीं होएगा, he is not happier, eventually वो realistic, optimistic भी realistic बन जाए तो तकलीफ नहीं है, पर उसको realism की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, what I want to extract from this is happiness, तो पहले सबसे पहले प्रोसेस ये होएगा कि पहले तुम ऑप्टिमिस्टिक बनना सीखो, सीधे रियलिस्टिक नहीं बना जा सकता है, क्यों? क्योंकि ब्राइटर साइड देखना बहुत डिफिकल्ट है, डार्कर साइड देखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, डार्कर साइड देखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमारे जो नॉर्मल एटीट्यूड है लोगों का उसमें ब्राइटर साइड देखना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तुम क्या करो कि अनादिकाल से हर दुनिया में व्यक्ति पेसिमिस्टिक होता है, वो पहले एक बार ऑप्टिमिस्टिक बने, पहले ब्राइटर साइड देखने की कोशिश करे, हर चीज में से कुछ ना कुछ अच्छा निकाले, और फिर उसके बाद में क्या करे कि उसके बाद में जब एक बार उसके ज्ञान में दोनों एस्पेक्ट्स क्लियरली नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद में वो जानेगा तो दोनों को, अंधा नहीं है, he can't see the darker side वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों को इक्वली जानते हुए वो अच्छाई की वजह से जो प्लेजर डिराइव करना है वो कर ले। अब ये एज इट इज घटित हो जाएगा निश्चय व्यवहार और प्रमाण में। नहीं बेटा पाऊं बिल्कुल नहीं, शास्त्र रखा है ना, गो 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 टू पापा, गो देर, गो 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 गुड गर्ल। तो बेटा आप एक जगह बैठो, लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस होता है, हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है ना, हाँ आप यहाँ बैठ जाओ, अब आप कुछ हिलना मत, ठीक है? अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसे घटा रही हूँ निश्चय व्यवहार के ऊपर, ये बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है समझने के लिए। सारी दुनिया अनादिकाल से जैसे पेसिमिस्टिक ही थी तो व्यवहार में ही जीती है, और क्योंकि इसका उपयोग व्यवहार में ही लगा रहता है पूरे टाइम, तो इसने कभी ऑप्टिमिज्म को यानी कि निश्चय को तो जाने ही नहीं है, अनित्यता को ही देखा, पर्याय बुद्धि ही करी, पर्याय से ही अपने आप को इवैल्यूएट किया, दूसरों को इवैल्यूएट किया, तो वी आर बिजी इन व्यवहार। व्यवहार मतलब आप समझ रहे हो ना मैं किसे व्यवहार बोल रही हूँ यहाँ, कि दो द्रव्यों को मिला के जो कथन होता है, पर्याय के रूप में जो कथन होता है, उस सबको मैं व्यवहार कह रही हूं। तो हम व्यवहार में ही कंप्लीटली इतना अनादिकाल से एनग्रॉस्ड रहे हैं कि निश्चय को हमने कभी जाने ही नहीं। अब इन दोनों में स्टेबल कौन था और अनस्टेबल कौन था? निश्चय स्टेबल है और व्यवहार
अनस्टेबिलिटी को जानते जानते तुम कभी भी शांति को कैसे प्राप्त कर सकते? नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अनस्टेबल को देखते हुए तुम स्टेबिलिटी को जान लो. हेडफोन लगाना बेटा. नहीं. क्यों? वो बहुत बड़ा है. तो आप हम पापा के पास पीछे जाकर बैठो बेटा, सबको आवाज आएगी, डिस्टर्बेंस होगा, वॉल्यूम कम करो, थोड़ी सी कम कर दे. गुड गर्ल है ना. गुड गर्ल है, गुड गर्ल मान जाती है. उसको झूले में बैठना है ना अभी, इसलिए नहीं. बट एवरीबडी गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, फोकस ऑन द सब्जेक्ट राइट. तो अब व्यवहार में तो सारी दुनिया दिन रात रची पची है, उससे मिक्स करके ही चीज़ों को जाना है. ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये सब क्या है? ये व्यवहार है. ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा शरीर है, ये सब क्या है? ये व्यवहार है. तो व्यवहार में तो हम हमेशा ही बिजी रहते हैं, लेकिन व्यवहार को जब तक जानोगे, जब तक अध्यात्म की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि हमें निराकुलता चाहिए, वो निराकुलता की प्राप्ति नहीं हो सकती. कैसे नहीं हो सकती? कि जब तक तुम अपने अपना पैसा, अपने रिश्तेदार, अपना शरीर मानोगे, ये सब स्टेबल लोग नहीं है, ये अनस्टेबल है. दे कीप मूविंग, दे कीप चेंजिंग, इतने अनित्य हैं, इनकी अवस्था प्रति समय बदलती रहती है, कि तुम पूरे टाइम ये बिजी रहोगे कि मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ऐसे कर दिया है, बच्चे ने ये किया है, पति ने वो किया है, पत्नी ने ऐसे किया है, पैसा कम हो गया है, पैसा ज्यादा हो गया है. इस पैसा स्टेबल, इस शरीर स्टेबल, तो अनस्टेबल के ऊपर इतना फोकस है मेरा कि मेरे को कैसे अपनी दृष्टि में स्टेबिलिटी या शांति मिल सकती है जब तक मैं इसको देखता रहूं. शांति कभी मिल ही नहीं सकती है. ट्राइंग टू अट्रैक्ट अटेंशन. तो अब मुझे क्या करना है कि जो निश्चय की विषय वस्तु है, बहुत ध्यान से सुनना, ये अनादि काल से लेकर अनंत काल तक एक जैसी नित्य. कि एक तो इसमें कोई टाइम जोन में कुछ डिफरेंस नहीं होता है अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक, इट्स ऑलवेज द सेम. दूसरा, मैं पर्याय से पार वाले द्रव्य की बात कर रही हूं, यानी कि शुद्ध पर्याय हो कि अशुद्ध पर्याय हो, वो भी उसमें नहीं आता. तो जब जिस द्रव्य में कोई पर्याय ही नहीं है, जिस द्रव्य में अनादि से अनंत काल तक कोई डिफरेंस ही नहीं हो रहा है, उधर जाके मुझे शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मतलब बहुत कॉमन सेंस के लिए मैं आपको बोलूं तो आपको, मैं आपसे बोलूं आपको 5 मिनट के अंदर 100 चैनल्स चेंज करके देखना है कि किसमें क्या आ रहा है. वो काम ज्यादा आपसे फास्ट होएगा और शांतिपूर्वक होएगा कि मैं आपसे बोलूं कि आपको आधा घंटे तक एक ही चैनल शांति से देखना है. मतलब ये तो ऑब्वियस हो गया ना कि जहां बहुत एक्शन है, जहां बहुत चेंजेस है, वहां तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, और जहां सेम चीज है वहां शांति है. तो हमारा नादि अनंत निश्चय, निश्चय की विषय वस्तु, वहां शांति मिलेगी. व्यवहार की विषय वस्तु में शांति नहीं. अब अनादि काल से जी व्यवहार की विषय वस्तु कोई जानता है? निश्चय को तो इसने कभी जाना ही नहीं है. तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि पहले ऑप्टिमिस्टिक पार्ट को देखना तुम सीखो तो सही, तुमने तो अभी तक वो दृष्टि कभी आज तक की नहीं अपनी. और वो जो अनादि अनंत विषय वस्तु है, जो निश्चय की विषय वस्तु है, द ब्यूटी ऑफ दैट इज कि उसमें कभी कुछ होते ही नहीं. ना वो मरता है, मतलब जितनी भी चीजों को तुम बुरा मानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें हो. किस चीज को बुरा मानते हो? बीमारियों को बुरा मानते हो, वो शरीर में होती है, पर में होती है. पाप के उदय को बुरा मानते हो, वो पर में होता है.
पर पदार्थ और शरीर में होता है, तो एक एक में घटाना वापस कि मैं किस किस चीज को बुरा मानता हूँ। मृत्यु को बुरा मानते हो कि वो भी शरीर का है, तो जितनी भी वस्तुओं को मैंने बुरा माना है या अच्छा नहीं माना है कि जिसकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूं माना है, वो सबका स्कोप शरीर तक ही है सीमित। कर्मों में ले लेना थोड़ा सा, वो भी व्यवहार नहीं का विषय है। पर पदार्थ से लेके शरीर से लेके कर्मों तक, और तुम और अंदर आओगे तो अपनी अपनी अशुद्ध पर्यायों तक आओगे, राइट? कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पर्याय में तो दुख है ना, मेरे पर्याय में तो आकुलता है, मेरे पर्याय में तो अज्ञान है, पर्याय में क्षयोपशम ज्ञान है, पर्याय में राग द्वेष है, कि वो पर्याय को भी जब मैंने दृष्टि से हटा दिया तो, क्योंकि वो पर्याय भी व्यवहार का विषय बन गई, तो उसके बाद जो बचा हुआ तो शांति ही शांति है। Are you with me on this part? कि जो जो दुख देने वाले एलिमेंट्स थे पर पदार्थ से लेके विकारी पर्याय तक, और उसके अलावा यदि मैं अपने अभेद द्रव्य में भेद करूं तो भी आकुलता उत्पन्न होती थी, उसको भी मैंने व्यवहार में डाल दिया। I covered all the व्यवहार ने इन दिस स्कोप एवरीथिंग। तो जो जो मुझे आकुलता देते हैं ये सब पैसे मिस्टेक है, ये सब व्यवहार ने है। इनको जब भी जानोगे तो आकुलता के बिना नहीं जान सकते हो, बुराई जब भी देखोगे तो दुखी हुए बिना नहीं देख सकते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बुरा है कि नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम जब उसको जानते हो तुम दुखी होते हो, कि वो वस्तु व्यवस्था बुरी है तो क्या तकलीफ है वैसा जानना, कि तकलीफ ये है कि तुम अगर उसकी बुराई देख रहे हो तो तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। कि फैक्ट है कि नहीं है कि लड़का मुझसे दूर हो जाएगा, वो बहुत अच्छी लड़की मिल गई तो, कि फैक्ट बने होएगा, पर तू जितनी बार ये जानेगा ना अपने कॉन्शियस माइंड में कि देखो पहले मेरे पास आके रात में बैठता था अब चला जाता है, पहले मेरे साथ वीकेंड पे घूमता था अब उसके पास चला जाता है, तो ऐसे दिमाग के फैक्ट है कि नहीं है कि होगा, तो जितनी बार ये सोचेगा इस तरीके से सोचेगा उतनी बार तू दुखी होगा। सिचुएशन नहीं बदलेगी तो मैं ऐसे नहीं सोचूं तो क्या वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, कि क्या वो मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, कि पॉइंट ये नहीं है कि सिचुएशन चेंज होगी, पॉइंट ये है कि तुम अशांत या दुखी नहीं रहोगे, तुम खुश होगे, देखो कितना खुश है मेरा बच्चा, इससे खुश भी तो हो सकते हो, मेरे साथ हो उसके साथ हो क्या फर्क पड़ता है, खुश तो है, तुम ये देखोगे तो खुश हो, तुम ये देखोगे मुझे समय नहीं देता है तो तुम दुखी हो, तो हम अंधे हो जाए, हम देखे ही नहीं कि वो मुझे समय नहीं दे रहा है, कि हाँ मत देखो, मत देखो, अंधे हो जाओ। वो विचार आकुलता स्वरूप है, वो विचार दुख स्वरूप है, वो एस्पेक्ट देखना अपने आप में बुरा है। देखो एक माँ भी अगर अपने बच्चे को कोई भी सेवा करती है तो स्वार्थ से करती है कि नहीं करती? दुनिया के सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं, सारे रिश्ते, बहुत गंदी बात है ना ऐसा सोचना कि नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तो मैं सोचूं कि नहीं सोचूं ऐसा बताओ, तू सोचेगा तो दुखी होएगा, फैक्ट है कि नहीं है? अभी मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है ना, तुम डिप्रेस हो रहे हो, तुम दुखी हो रहे हो, तुम हर एक को गंदी नजर से देखते हो, गंदी नजर मतलब पेसिमिस्टिक नजर, तुमको हर चीज में बुराई खोजनी है कि हाँ तो मम्मी ने मेरे लिए खाना बना दिया तो कौन सा महान काम कर दिया है, मैं नहीं खाती हूँ तो उनको ही दुख होता है, वाह। ऐसे तो साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल किया जाता है पेरेंट्स को। आज तक मैंने नहीं देखा रोड पर रहने वाले बच्चों को नखरे करते हुए खाना खाने में, जो घर पर रहते हैं वो क्यों करते हैं, मैं नहीं खा रही हूँ ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मम्मी की प्रॉब्लम है, isn't it? यानी कि तुम कौन सी दृष्टि से देख रहे हो उस चीज को। सारे रिश्ते स्वार्थ के ऊपर हैं तो क्या मैं हर बार अपनी माँ को देखूं तो इस दृष्टि से देखूं कि वो मुझसे चार बात पूछ रही है तो उनकी प्रॉब्लम है, मैं इस तरीके से बिहेव करूं हस्बैंड वाइफ, हाँ ये हस्बैंड ने गिफ्ट लाके दिया है मेरे लिए लाके नहीं दिया है,
He likes it when I am happy. इसलिए रखे दिए है. It's you know all because of his swarthi. Now देखो ना वो lens. वो fact है वो lens. लेकिन फिर भी वो lens से तुम जानोगे और उस पल दुखी हो. इसलिए हम कहते हैं कि उस lens को हमें त्यागना है. कि 2400 घंटे हमेशा के लिए त्यागना है कि नहीं. जब जो पर्पस हो तब तुम उसको जान लेना उस रूप से भी. ये मनाही नहीं कर रहे हैं कि शरीर में आधे शरीर में बीमारी है आधा शरीर अच्छा है तो मैं जानू ही नहीं आधे शरीर को. कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जानना पड़े डॉक्टर से बात करने के लिए जानना पड़े तो ऑप्टिमिस्टिक मत बन जाना. आई एम वेरी हेल्दी. ये टांग तो अच्छी है ना. आई एम वेरी हेल्दी. ये टांग मेरी तो कि प्रयोजन के लिए जब डॉक्टर के पास जाओ तो बीमारी की बात करोगे तो कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन मान्यता में ज्ञान का गे बनाने के लिए निरंतर किस चीज को जानना कि उस चीज को जानना कि जिससे तुम्हें शांति मिले. उस चीज को मत जानना कि जिससे अशांति. तो दुनिया में भी जैसे मैं बोल रही हूँ कि नॉर्मल लाइफ हमें जो जीनी है उसमें भी ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ. हर चीज में अच्छाई निकाल लोगे हर चीज में खुश रहोगे. ऐसे ही अध्यात्म में यानी कि आत्मा को जानना है निराकुल अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना है तो निश्चय ने परम शुद्ध निश्चय ने कि विषयभूत वस्तु को जानो क्योंकि उसके अलावा सब झूठा है. सब व्यवहार है. किस अपेक्षा झूठा है कि मेरी शांति पाने की अपेक्षा झूठा है. फिर प्रयोजन पूर्त यानी कि जो प्रयोजन हो उसके लिए जब जो जानना हो व्यवहार तो जानेंगे. उसकी कहां मनाई है. लेकिन उतना प्रयोजन खत्म होते ही वापस निश्चय में आ जाओ. डॉक्टर से बाहर निकलने के बाद में तुम अगर 24 घंटे अपने आसपास के लोगों को अपनी बीमारी की चर्चा करोगे तो पीपल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड विद यू. दे डोंट वांट टू टॉक टू यू इजंट इट. इनके साथ तो जब बैठो जितना बैठो मैं ये दुखता रहता है वो दुखता रहता है मैं क्या करूं. कि मतलब यू आर सो रूथलेस यू आर सो हार्टलेस. वो बेचारा परेशान है और चर्चा कर रहा है मुझे ये दर्द है वो दर्द है तुमको सुनना तक नहीं है. अरे पर मैं सुन के क्या करूं. तुम 50 बार रिवाइज करोगे तुम्हारा दर्द तो इट इज नॉट गुड फॉर यू नॉर गुड फॉर मी. व्हाट इज इट लीडिंग टू नथिंग. देखो इससे मुझे और ख्याल आया प्रासंगिक तो बोल रही हूँ. अब किसी के घर में कोई डेथ हो गई या किसी के घर में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया बीमारी हो गई जितने लोग मिलने आते हैं उनको क्या बात करनी चाहिए मुझे बताओ. और होता क्या है तुम्हारा बच्चा मर गया ओहो तुम्हारे पिताजी मर कैसे हुआ. बहुत दुख तो बहुत होता होगा ना कि भैया बड़ी मुश्किल से शांति से बैठा हूँ. दुख तो बहुत होता होगा ना. अब बार बार याद आएगी ना अरे यार मुझे याद ही नहीं करना. वही 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 कुरेदना जख्म को वही 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 बात करना पूरे टाइम. Whom is it helping? The point is, whom is it helping? उसको अच्छा लग रहा है बार बार याद करके कि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करे तो उसे वापस वहीं ले आते हो. अब तो आप बहुत अकेले पड़ गए. अब तो आप अकेले पड़ गए कि नहीं मैं खुश हूं. क्या बोलो आदमी. या फिर तुम भी अगर सुन रहे हो तुम्हें क्या मजा आ रहा है. मतलब कोई भी ऐसे पेसिमिस्टिक पार्ट को बुराइयों को बार बार रिवाइज करना होम डज इट हेल्प. कि मैं बहुत बीमार हूँ लोगों से पूछो और तबीयत कैसी है तो मैं तो बोलती हूँ बहुत बढ़िया है. कि झूठ बोल रही हूँ कि नहीं आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द बैड पार्ट बाबा. मैं बात कर पा रही हूँ मैं बहुत बढ़िया नहीं हूँ. मतलब लुक एट दैट एस्पेक्ट आल्सो ना. तो पेसिमिज्म को या बुराइयों को रिविजिट करने से फायदा नहीं हो रहा है. इसलिए मुझे उसको वॉलेंटरीली अवॉइड करना है. तो जब जब मैं पर से मिले हुए आत्मा को जानता हूँ शरीर से मिले हुए कर्मों से मिले हुए आत्मा को जानता हूँ मुझे शांति ही नहीं मिल पाती क्योंकि तुम कुरेद रहे हो मुझको. तुम मेरी बुराइयों को बार बार उजागर करने की कोशिश कर रहे हो उसमें. क्यों. क्योंकि तुम बोलोगे कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं कि मेरे पास 5000 करोड़ है. कि 5000 करोड़ है आपके पास. अब आपके मन में आ गया कि भैया मैं कमिट हो गया 5000 करोड़ है मैंने बता दिया अब मेरी वेल्थ ज्यादा हो रही है तो आई बिकम कॉन्शियस.
मेरी वेल्थ कम हो रही है तो आई बिकम कॉन्शियस कि लोगों को पता चल चुका है इस बारे में, क्योंकि तुमने उसको अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है. एवरीबडी इज कॉन्शियस अबाउट दैट पार्टनर. इसका मैं आपको दूसरे उदाहरण में घटा के बताऊं तो आपको समझ में आएगा. समझो मैंने उपवास रखा एक दिन, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा नहीं की. अब जब तक मेरा उपवास मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा है तब तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बनेगा तो रख लूंगी, नहीं बनेगा तो खा लूंगी, देखूंगी, आई विल सी एज इट गोज. मैंने एक बार कमिट कर दिया पब्लिकली, उसके बाद अब आप देखो मेरे साथ क्या होता है. इट इज लेस अबाउट मी, इट इज मोर अबाउट अदर्स नाउ, बिकॉज आई नो पीपल आर व्यूइंग मी थ्रू दैट लेंस. फिर मैं अगर किचन के बाजू में खड़ी हुई नजर आ गई तो लोग मुझको शक की निगाह से देखने लग जाते हैं कि आप तो पानी भी नहीं पीते हो ना. कि नहीं पीते हैं तो किचन के बाहर से कोई काम होगा, लो मर गए. इट्स नॉट अबाउट मी गोइंग इन दैट एरिया और नॉट गोइंग, इट्स अबाउट अदर्स हाउ दे आर व्यूइंग मी. मतलब हम फंस जाते हैं उस चीज में. जैसे दूसरा एलिमेंट आ जाता है तो वो कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाता है, रियल फोकस से हटके वहां चला जाता है. बताओ उम्र कैसे, कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हो बहुत बढ़िया आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, जैसे बैठना है अकेले बैठे हो, उल्टा बैठो, सीधा बैठो, आड़े टेढ़े पांव करो. अभी आपको पता चला कि यहाँ तो कैमरा लगा हुआ है. एवरीथिंग चेंजेस. इट्स नॉट नाउ हाउ यू वॉन्ट टू बी, इट इज मोर अबाउट हाउ यू आर बींग व्यूड एज. लेंस बदल गई वापस. तो जैसे मैं परद्रव्य के साथ जाता हूँ, एंगेज होता हूँ, जितना ज्यादा एंगेज होता हूँ, शरीर को मेरा मानता हूँ, पर पदार्थ को मेरा मानता हूँ, तो मैं वहां वहां उतना ही उसके साथ में अपनी शांति को भंग कर देता हूँ. इट्स मोर अबाउट द प्रेशर एंड द अदर थिंग्स देन व्हाट आई एम कंफर्टेबल विद और नॉट. ये मोटा पतला का इश्यू खुद के शरीर से खुद को नहीं होता है, दूसरे को दिखने से होता है. कभी देखा है कि मैं मोटी दिख रही हूं क्या? अरे पर दिख रहे हो, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाउ यू फील, आई फील फिट, तो गुड ना, हो गया काम खत्म है. नहीं, इसमें पतला दिखता हूं, उसमें मोटा दिखता हूं, मतलब दिखना मीन्स वॉट? दिखना मीन्स वॉट? इट इज नॉट अबाउट हाउ यू फील, इट इज हाउ अबाउट पीपल आर सीन. दूसरा एलिमेंट आएगा तुम्हारी स्टोरी में और गड़बड़ हो जाएगी. मैं बता रही, जो कपड़े कंफर्टेबल हैं वो नहीं, जो कपड़े अच्छे दिखते हैं वो. शादियों में जितने कपड़े पहने जाते हैं बताओ कितने कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जो हजारों करोड़ों का नुकसान होता है उसमें, वो सिर्फ दिखने के लिए. ये दूसरे का एलिमेंट ही विसंवाद पैदा करने वाला. ये सारी वेल्थ, ये दूसरे को दिखने की प्रॉब्लम है, होने की प्रॉब्लम नहीं है. Why is Anil और मुकेश अंबानी working at all? जानवर होता तो वो नहीं करता ये काम, इंसान करता है. क्योंकि जानवर को इससे फर्क नहीं पड़ता है एक बार उसका पेट भर जाए तो, कि उसके बाद कितना उसके पास रखा हुआ है. They don't collect their food also. Normal. They always get fresh grass and fresh new hunt. यानी कि it's all about the other element. Other element तुम्हारी दृष्टि में आएगा और वो तुमको दुखी करके जाएगा. तुम खुद अपने जीवन में रहोगे तो खुश रह सकते. तो सबसे जो बाहर का व्यवहार नहीं है वो चर्चा करता है कि ये धन तुम्हारा है, ये मम्मी तुम्हारे हैं, ये पापा तुम्हारे हैं, ये रिश्तेदार तुम्हारे हैं. जहाँ ये दूसरे लोग आ गए उस प्रयोजन के लिए, उस समय तुम उस व्यक्ति से अपने आप को एक मान के जानो. तो प्रयोजन खत्म होने के बाद फिर तुम ये जान लो कि ये पर था और मैं इससे जुदा हूँ तो ठीक, लेकिन उसके अलावा हमें अपने आप को उससे स्वतंत्र ही जानना चाहिए. तो एक वर्ड आता है जिसको हम बोलेंगे असद्भूत. सत मीन्स सत्ता है जिसकी, भूत सद्भूत यानी कि होना,
असद्भूत यानी कि नहीं होना, ऐसा है नहीं। असद्भूत यानी इसकी सत्ता नहीं है। जैसे आकाश में फूल सद्भूत है कि असद्भूत है? असद्भूत है। गधे का सींग असद्भूत है। बंध्या का पुत्र असद्भूत है। ऐसे ही ये धन मेरा है, ये रिश्तेदार मेरे हैं, ये है सब असद्भूत। इसकी सत्ता मेरी कल्पना में, मेरे ज्ञान में, मेरे विचारों में हो सकती है, लेकिन एक्चुअली मैं असद्भूत। ये गॉट द वर्ड असद्भूत। तो ये हो गया एक लेवल का। इनको मेरा कहते तो है लेकिन उपचार से कहते हैं। ये घर है आपका एक्चुअल में के उपचार से? उपचार से। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार में से धन धान्य स्त्री पुत्र मकान सोना चांदी आदि मेरे हैं। ये सब असद्भूत और उपचरित व्यवहार में से। क्लियर शब्द? उपचार से है ना। उपचार मीन्स यू अंडरस्टैंड द वर्ड उपचार, राइट? एक्चुअली में नहीं है। अब इस तो फिर एक्चुअली में कौन है? अनुपचरित कौन हो सकता है? कि शरीर अनुपचरित है। कि क्या ये घर आपका उतना ही है जितना ये शरीर आपका है? बताओ। इस लाइफ में घर 20 बदल सकते हैं लेकिन शरीर इस लाइफ में तो यही रहे। ये शर्ट आपकी है उपचार से कि अनुपचार से? क्यों? क्योंकि शरीर आपका है, पर ये शर्ट आपकी 2-5 साल रहेगी, उसके बाद में वो ड्राइवर की हो जाएगी, उसके बाद में वो बैगर की हो जाएगी, उसके बाद में उसका पोंछा बन जाएगा। जब वो पोंछा होएगा, चूंकि आपकी शर्ट है तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि वो उपचार से आपकी थी। लेकिन शरीर के साथ ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शरीर एंड अदर थिंग्स। तो शरीर अनुपचार से, बाकी सब चीजें उपचार से। देखो आप ये भी बोलो, आप अपने शरीर के साथ कोई औपचारिकता निभाते हो? औपचारिकता मतलब आप समझ रहे हो ना, फॉर्मेलिटीज। औपचारिकता करते हो क्या कि मैं एक दिन गई किचन में, मेरा खाना खाने का मन तो नहीं था पर मैंने बोला सहानुभूति एक तो खा ले, ऐसे करूंगी? थोड़ा तो चलेगा, मिठाई होनी चाहिए कम से कम, नहीं? लेकिन मैं आपके यहाँ खाने आई था, बोलो कि सहानुभूति एक तो चलेगा। दो भिन्न लोगों के बीच में औपचारिकता हो सकती है। मैं खुद से औपचारिकता करूंगी, इस शरीर से औपचारिकता करेगा मेरा आत्मा? क्या आप हमारे घर आओगे? जरूर जरूर, बिल्कुल कोशिश करेंगे, डेफिनेटली। मैं आईने के सामने खड़े होके अपने आप से करूंगी, आज मूवी जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, जाते हैं। खुद से औपचारिकता होगी, शरीर से कोई औपचारिकता नहीं होती। कि कैसे ऐसे खाना चाहिए, कि ऐसे खाना चाहिए, कि चम्मच से खाऊं, कि कैसे खाऊं, कि कोई औपचारिकता नहीं है। होटल में बैठोगे तो 4 छुरी कांटे रख के ढंग से खाओगे प्रॉपरली। अकेले बैठे होगे तो छोड़ना ये तोड़ा ही खाया। शरीर के साथ कोई औपचारिकता नहीं है आपकी। उपचार वर्ड में बार बार स्ट्रेस करके बता रही हूँ। उपचरित अनुपचरित। तो शरीर है अनुपचरित लेकिन है असद्भूत। असद्भूत क्यों? क्योंकि शरीर की सत्ता आत्मा की सत्ता में है कि नहीं है? सत्ता हमारी डिफरेंट ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा, शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, तो उसकी सत्ता मेरी सत्ता में रंच मात्र की। वी आर डिफरेंट। अनुपचरित लेकिन असद्भूत। ये जो 8 कर्म है, कर्मान शरीर, जो पुण्य पाप जो मुझसे अटैच हो जाते हैं, दे लास्ट मोर देन द शरीर विद द आत्म प्रदेश, इजंट इट? क्यों? क्योंकि वो भव भवांतर भी चलते हैं लेकिन वो अनादि अनंत नहीं चलते हैं। तो वो भी अनुपचरित है लेकिन असद्भूत है, क्योंकि उनकी सत्ता मेरी आत्मा की सत्ता में नहीं। तो मैंने आपको 2 व्यवहार नहीं समझा दिया। पहले तो पकड़ना असद्भूत, विच इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। कि असद्भूत यानी कि जो मेरी आत्मा में जिसकी सत्ता नहीं है,
तो सारे शरीर से भिन्न पदार्थ ये तो है उपचार से, और शरीर और कर्म ये है अनुपचरित, क्योंकि वो शरीर से शरीर सॉरी वो आत्मा के प्रदेशों से अटैच तो है फॉर अ सर्टेन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. एक क्षेत्र आपका है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट. अब हम आते हैं, ये दो व्यवहार ने निपट गए, अब हम आते हैं कि क्या ये दोनों सच्चे हैं, कि सर्टेन प्रयोजन के अनुसार सच्चे हैं. सारी दुनिया में जितना अहिंसा का हमारा समझो चरित्र में लोग पालते हैं, अहिंसा की जितनी चर्चा चलती है, अहिंसा की जितनी मान्यता चलती है, और जितना चरित्र में हम अहिंसा को पालते हैं, यानी कि मैं आपसे बोलूंगी चीटी जा रही है जरा मार देना इसको, आप मारोगे? क्यों नहीं मार रहे हो? वो तो शरीर है, शरीर की सत्ता आत्मा की सत्ता में नहीं है. कि उस पल में मैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से उस शरीर को और उस चीटी की आत्मा को एक मानकर उसकी हत्या नहीं करूं. सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड था, पर सिंपली बात ये थी कि जितनी भी अहिंसा का पालन करते हैं, हम नॉनवेज क्यों नहीं खाते हैं? व्यवहार ने से ही नॉनवेज नहीं खाया जाता है. निश्चय ने से तो आत्मा कुछ खाते ही नहीं, ना नॉनवेज खाता है, ना वेजिटेरियन खाता है, कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि वहां हम शरीर को और आत्मा को एक मानकर चलते हैं. जितना व्यवहार होता है, समझो आप संयम धारण करोगे और बोलोगे मेरे पर स्त्री का त्याग है, मेरे अपरिग्रह है, मैं चोरी नहीं करता हूं, ये सब कौन से नए की अपेक्षा है? चोरी किसकी होती है कि नहीं होती है? धन की. धन तो आपका था ही नहीं, मैंने अगर आपका धन अपने घर में ले लिया तो चोरी कैसे हो गई? निश्चय से तो चोरी अचोरी का व्यवहार ही नहीं है. आपके पास कोई डायमंड की अंगूठी अंगूठी दे देना जरा मुझे, ले जाती हूँ. क्यों? पुद्गल है, पुद्गल में रहेगा ना आपका ना मेरा, यहाँ पे व्यवहार चलेगा. चलेगा कि नहीं चलेगा? चोरी का व्यवहार, अपरिग्रह का व्यवहार, ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार ने की अपेक्षा होता. पर स्त्री स्वस्त्री का व्यवहार, स्त्री तो स्त्री है, दोनों ही पर है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ये तुम्हारी शादीशुदा है, ये स्वस्त्री है, ये शादी नहीं हुई है, ये पर स्त्री है. ये स्व पर का भेद किसका है? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने का. ये घर आपका किससे? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से. ये तो सारे घर मेरे हैं और कोई भी घर मेरा नहीं है. तो उपचरित असद्भूत भी उस पर्टिकुलर प्रयोजन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, संयम धारण करने के लिए, शुद्ध सात्विक वृत्ति के लिए, मॉरल साइंस के लिए. ये सारी चीजें हमारी उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से चलती है, पर उसके बियॉन्ड कोई मेरा नहीं. शरीर का व्यवहार अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से है, उसके बियॉन्ड नहीं. अब हम आते हैं सद्भूत की कैटेगरी. एवरीबडी विद मी? डिड आई कॉम्प्लिकेट द असद्भूत पार्ट? ऑल सिंपल, राइट. तो सद्भूत, सद्भूत यानी कि सत्ता तो है. कैसे? कि तुम मिथ्या दृष्टि हो कि नहीं, मिथ्यात्व की सत्ता तुम्हारी आत्मा में है कि नहीं? है, सद्भूत है, व्यवहार में से है, उपचरित व्यवहार में से है वो भी. क्यों? क्योंकि who wants मिथ्यात्व in their soul? सत्ता है, doesn't mean के अच्छी है. I don't want to own it. पर है, मैं क्या करूं, है तो है. राग द्वेष की सत्ता है कि नहीं तुम्हारे आत्मा में? है. आत्मा में है कि शरीर में है कि कर्मों में है कि बाजार में है, पुद्गल की दुनिया में? आत्मा में. सद्भूत है, सद्भूत यानी कि है डेफिनेटली, लेकिन वो मेरा सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र है. उत्पन्न तो मेरे ही घर में हुआ है, इसमें डाउट ही नहीं. पड़ोस को नहीं, मेरे ही है भैया, मेरे सामने आंखों के सामने बाहर निकला है कि वही बच्चा है. क्या करूं, अब है तो है. ये राग द्वेष ऐसा बच्चा है अपने ही है, अपने ही घर पैदा हुआ है, प्रति समय अपने घर ही पैदा हो सकता है, लेकिन ये मुझे दुखी करने वाला है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है. और जो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं हो उसको मैं उपचार से अपना कहता हूं. है, अब क्या करें, नाम के लिए बेटा है मेरे घर में,
आप तो बहुत लकी हो, आपके घर में क्या बेटा है, मतलब ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड। अरे आपको क्या पता नाम के लिए बेटा है, मैं खुद 20 साल से नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी की वाइफ है कि नहीं है? नाम के लिए है, राग द्वेष नाम के लिए मेरे में पैदा होते हैं, सद्भूत है लेकिन नाम के लिए, यानी कि उपचार से। आत्मा के साथ है इसलिए सद्भूत है, लेकिन कुपुत्र है यानी नाम के लिए है, है मेरे में पर मेरा बुरा करने वाले हैं तो उनको भी अपना मानना मेरे हित में नहीं। तो व्यवहार ने छोड़ने योग्य है, यानी राग द्वेष को अपना मानना भी छोड़ने योग्य है, उसको अपना मत मानो। तो फिर ये बोलना जरूरी है कि नहीं है मुझे कि राग द्वेष भी तुम्हारे, किसी अपेक्षा क्या प्रयोजन की पूर्ति होती है? राग द्वेष को अपना मानना किस प्रयोजन की पूर्ति करता है? हर व्यवहार ने का प्रयोजन है, मैंने ये कहा था ना शुरू में, वो व्यवहार ने है क्योंकि उसका प्रयोजन भी है, पर वो अपने प्रयोजन के लिए ही सत्य है। तो राग द्वेष को अपना मान के फायदा क्या हो रहा है मेरा? हाँ, लेकिन क्यों अपना बोलते हैं उसको, उससे फायदा क्या होता है बोलने से? कि भैया राग द्वेष तुम में नहीं होता तो मुक्ति की आवश्यकता ही क्या थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर राग द्वेष नहीं था तो तुम्हें आकुलता ही नहीं होती, दुखी तो हो ना, वो तुम्हारा कुपुत्र है इसलिए तुम दुखी हो ना, तुम्हें दर्द हो रहा है। ऐसे इतने और दुनिया के कुपुत्र हैं उससे तुम्हें दुख नहीं होता, तुम्हारे घर में तुम्हारा कुपुत्र हो गया तो तुम दुखी हो रहे हो। तो इसलिए वो जो भी सिग्निफिकेंस है राग द्वेष की मेरे आत्मा में होने के कारण कि वो हट जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो अपेक्षा से राग द्वेष मुझ में है। ये सारे जो भेद है दुनिया में निगोदिया से लेके सिद्ध भगवान तक, वो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने की वजह से। इसीलिए मैं अरहंत भगवान की तो पूजा करती हूँ मंदिर में जाके, और निगोदिया को तुम सड़ते रहने देते हो वहीं पे आलू प्याज में, मतलब समझ रहे हो ना? ये जो डिफरेंस है वो राग द्वेष का ही तो डिफरेंस है, उनके नहीं है राग द्वेष, इसके है राग द्वेष भर भर के है। कोई तीव्र रागी कोई मंद रागी, इनमें डिफरेंस है कि नहीं है? जो संयमी है जो नहीं है, राग द्वेष की लिमिट का डिफरेंस है। तो ये सारा व्यवहार राग द्वेष के का व्यवहार राग द्वेष के ही सत्ता को मानते हुए आत्मा में किया जाता है। अब मेरे क्योंकि समय अब हो गया है, और अनुपचरित को सॉरी असद्भूत को समझने में भी थोड़ा 10-15 मिनट अगर डिटेल में समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में लेती हूँ। कोई प्रश्न यदि असद्भूत के बारे में हो तो आप मुझसे पूछो, सद्भूत को मैं और डिटेल में नेक्स्ट में लूँगी। असद्भूत यानी कि बाहर की चीज़ें जो शरीर से संबंधित हैं, और बाहर की अनुपचरित यानी कि शरीर और कर्म, इससे रिलेटेड यदि कुछ आपका क्वेश्चन हो तो पूछो। एक ही बात, दोनों बाद है। श्यादवाद को ही अनेकांतवाद कह देते हैं, अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, श्यादवाद उसको समझाने वाली वाणी है, पर जब आप अनेकांतवाद बोलते हो तो वो ही श्यादवाद हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लूंगी। सोच लेना इस चीज को अपने दिमाग में एक बार इस हफ्ते में घटा लेना कि वेदर यू अंडरस्टैंड इट राइट और नॉट, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस तो दैट आल्सो विल क्लेरिफाई इन द नेक्स्ट लेक्चर। द नेक्स्ट लेक्चर विल कंप्लीट ऑल द फोर व्यवहार एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इवन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ निश्चय इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सहजानंद।